कार्ट थर्ड की बात करें तो बच्चों इसमें जो है उन्होंने ये बताया कि बी अपना शेयर ए और सी को थ्री टू वन के रिश्व में गिवअप कर रहा है तो बी का शेयर जो है थ्री बाय नाइन है उसका थ्री फोर्थ निकाल लेंगे नौ बाय छत्तीस आ जाएगा उसका वन फोर्थ निकाल लेंगे जो कि तीन बाई छत्तीस आ जाएगा फिर ए का नया शेयर निकालने के लिए बी के ए के पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर देंगे सी के पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर देंगे जो पच्चीस बाय छत्तीसगह बाय छत्तीस यानी ट्वेंटी फाइव इंस टू इलेवन आ गया फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है बी ने अपना सारा शेयर एक को दे दिया तो ए का गये हो गया थ्री बाय नाइन एक का नया शेयर आ गया फोर बाय नाइन प्लस थ्री बाय नाइन सेवन बाय नाइन सी का प्रोडक्ट शेयर टू बाय नाइन ही रहा तो नी रेशियो आ गया सेवन इज टू टू इस तरह से बच्चों क्वेश्चन वन टू ट्वेल्व सारे कंप्लीट हो जाते हैं आई होप आपको सुन में आए होंगे अच्छी तरह से सुन में आए होंगे बच्चों क्वेश्चन थर्टीन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट में कैसे किया जाता है फिर मैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन को डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट वाले में हम क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर हिस्से गुडविल निकाल लेते हैं फॉर्म गुडविल के हिसाब से और फिर उसके लिए एडजस्टमेंट्री पास करते हैं इन द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स थर्ड बुक के बी में यही कह रहा था बच्चों की नया रेशियो जो है वो पी के रिटायरमेंट पे फोर टू तो वन आ जाएगा वही गेनिंग रेशियो का क्यू आर आएगा तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन वन टू थ्री कंप्लीट हो गए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तो फोर भी हाँ यहीं दे रखा है साथ साथ उसमें आर एस एम का ओल्ड रेशियो दे रखा है टू टू वन और फिर ये भी कहा गया है कि जो है एम रिटायर हो गया और उसके शेयर को लो टू टूज टू वन के बीच में डिकोवर किया तो आर का गेन हो गया वन फिफ का टू थर्ड यानी दो बाय पंद्रह एस का गेन हो गया वन फिफ का वन थर्ड यानी एक बाय पंद्रह फिर उनके पुराने शेयर में उनका जो है गेन प्लस कर दिया तो उससे इनका नया शेयर आ गया एटीज टू सेवन से आर और एस का गेनिंग रेशियो टूज टू वन ही निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो ए बी सी का पुराना रेशियो फोर थ्री टू है ए की रिटायरमेंट होने पर बी और सी का नया रेशियो टूज टू वन है गेन निकालना हो तो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे जिससे आपका थ्री बाई नाइन वाई नाइन आ गया गे जिससे गेनिंग रेशियो थ्री टू वन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी कुछ ऐसा ही है ओल्ड रेशो टू वन टू वन है वाई ग्रेट एन पेड एक्स का डब्ल्यू एक्सजेड का नया रेशियो इक्वल तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो है ओल्ड रेशियो टू वन टू वन था नया रेशियो वाई ग्रेट एनओन था हमने न्यू में से ओल्ड माइनस किया डब्ल्यू का तो ना गेन आया ना सेक्रीफाइस एक्स और जेड का जो है गेन आया वन इज टू वन या वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स जिससे गेनिंग रेशियो वन इज टू वन आ गया सिक्स के बी पार्ट की बात करें तो उसमें ए बी सी का पुराने रेशियो फोर थ्री टू था सी रिटायर हो गया जिसका हिस्सा टू बाई नाइन है टू बाय नाइन का फोर बाय नाइन ए को मिल गया यानी कि फोर बाई एट्टी वन कह सकते हैं एट बाई एट्टी वन उसको मिल गया ए को तो फोर बाय नाइन में एट बाई वन जोड़ दिया सी के शेयर का फाइव बाय नाइन यानी टेन बाई एट्टी वन बी को मिल गया तो बी का नया शेयर आ जाएगा इस तरह से उसके पुराने शेयर में से प्लस करके तो नया रेशियो इनका आ गया फोर्टी फोर इर्टी सेवन ओल्ड शेयर में गेन को प्लस करके क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो इसमें ओल्ड रेशियो था आपका कुमार लक्ष्य मनोज और नरेश का थ्री वन टू फोर तो कुमार लक्ष्य मनोज और नरेश का ओल्ड रेशियो थ्री वन टू फोर था जब कुमार रिटायर हुआ तो उसके शेयर को जो है थ्री इेशियो में केवल लक्ष्य और मनोज ने टिकोवर किया नरेश ने कोई टिकोवर नहीं किया तो कुमार का शेयर थ्री बाय टेन है थ्री बाय टेन का थ्री फिफ्थ यानी नाइन बाई फिफ्टी लक्ष्य को मिल गया थ्री बाय टेन का टू फिफ्थ यानी सिक्स बाई फिफ्टी मनोज को मिल गया उनके नए शेयर ऐड करके आ गए उनके पुराने शेयर में नए शेयर में गेन एड मतलब नया शेयर निकालने के लिए पुराने शेयर में गेन को ऐड कर लिया इससे उनका उन्नीस बाय और ग्यारह बाय आ गया नरेश का शेयर चार बाई था जिसको हम बीस बाय लिख सकते हैं और नया रेशो आ गया उन्नीस ग्यारह बीस क्लियर बच्चों इस तरह से हमारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाता है बात करें क्वेश्चन नंबर एट की तो क्वेश्चन नंबर एट में इन्होंने आपको एबीसी का पुराने रेशो दिखाया एट फोर थ्री और ये भी कहा है कि बी रिटायर हो गया इसके शेयर को इक्वली एक्वायर किया है ए और सी ने तो बी का शेयर है चार बाय पंद्रह चार बाय पंद्रह का आधा होता है चार बाय दो तो बाय पंद्रह या चार बाई तीस भी कह सकते थे फिर दो बाय पंद्रह उनके पुराने शेयर में प्लस कर दिया उससे नया रेशो आ गया टेन या फिर टू इज टू वन नाइन बड़ा ही सिंपल था इसमें ये भी कहा गया है कि ए बी सी का पुराना रेशियो फाइव थ्री टू है और सी के रिटायरमेंट पे इसका सारा शेयर ए ने टेक ओवर कर लिया तो सीधा सीधा ए का गेन हो जाएगा टू बाय टेन जो कि पूरा पूरा सी का शेयर है उसमें ओल्ड शेयर में प्लस कर दीजिए तो ए का नया शेयर आ गया सेवन बाय टेन बी का नया शेयर वही रहेगा जो पहले था थ्री बाय टेन तो इसलिए नया रेशियो आ गया है सेवन एजू थ्री और गेन केवल ए ने ही किया है टेन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर टेन में ये कहा गया था कि पी क्यू आर का पुराना रेशियो सेवन फाइव थ्री है पी के रिटायर होने पे क्यू और आर का नया रेशो वही होगा जो पी और क्यू के बीच में था यानी सेवन टू फाइव तो क्यू तो का नया शेयर आपके पास है पुराना शेयर आपके पास है आर का नया शेयर आपके पास है पुराना शेयर आपके पास है तो गेन निकाल लीजिए फिर गेनिंग रेशो भी आ जाएगा फिफ्टी इंस टू थर्टीन इलेवन की बात करें तो ओल्ड रेशो है थ्री फोर वन मुरली नवीन और ओम प्रकाश का तो मुरली जो है रिटायर हो गया और उसने अपने शेयर का टू थर्ड जो है वो नवीन को दिया और वन थर्ड जो है ओम प्रकाश को दिया तो इसको कैसे किया जाएगा अभी बताता हूँ बच्चों आपको मैं इन माय नेक्स्ट वीडियो तो देखिए बच्चों यहाँ पे न, जो है नरेश का शेयर जो है नवीन ने जो गेन किया वो मुरली के शेयर जो कि थ्री बाई है उसका टू थर्ड यानी कि टू बाई ले लिया होगा वन बाय फोर भी कह सकते हैं बट टू बाईट इज बेटर क्योंकि ओम प्रकाश का गेन भी वन बाय आ रहा है तो गेनिंग रेशियो तो टू इज टू वन हो गया और एक बार नया शेयर निकालने के लिए तो नवीन के ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दिया ओम प्रकाश के ओल्ड शेयर में उसका गेन प्लस कर दिया तो उनका रेशियो आ गया सिक्स इज टू टू या थ्री इज टू वन इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन भी कंप्लीट हो गया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की जिसमें चार पार्ट्स हैं पहले पार्ट में ये कहा गया है कि ए बी सी पार्टनर है फोर थ्री टू के रेशियो में बी रिटायर हो गया जिसका अपना हिस्सा थ्री बाय नाइन है उसने कहा मैं अपने शेयर को ए और सी के ओरिजिनल रेशियो में गिवअप कर रहा हूँ तो तीन बय नाउ का चार बाय छे और दो बाय छिया टू बाय ना वन बाय नाइन आए उनके पुराने शेयर में उनका गेन प्लस कर दिया उससे नया रिश्व उनका टू टू वन आ गया फिर उसने कहा था वो अपना शेयर दोनों को इक्वली दे रहा है तो थ्री बाय नाइन का आधा थ्री बायीन होता है थ्री बाय एटीन दोनों के पुराने शेयर में प्लस कर दिया जिससे उनका नया शेयर इलेवन टू सेवन आ गया पार्ट सी की थर्ड की बात करेंगे अगले वीडियो में पार्ट थर्ड की बात करें तो बच्चों इसमें जो है उन्होंने ये बताया कि बी अपना शेयर ए और सी को थ्री इज टू वन के रिश्व में गिव अप कर रहा है तो बी का शेयर जो है थ्री बाय नाइन है उसका थ्री फोर्थ निकाल लेंगे नौ बाय छत्तीस आ जाएगा उसका वन फोर्थ निकाल देंगे जो कि तीन बाय छत्तीस आ जाएगा फिर ए का नया शेयर निकालने के लिए बी के ए के पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर देंगे सी के पुराने शेयर में उसका गेन प्लस कर देंगे जो पच्चीस बाय छत्तीस ग्यारह बाय छत्तीस यानी ट्वेंटी फाइव टू इलेवन आ गया फोर्थ पार्ट बहुत ही आसान है बी ने अपना सारा शेयर ए को दे दिया तो सीधा सीधा ए का गेन हो गया थ्री बाय नाइन ए का नया शेयर आ गया फोर बाय नाइन प्लस थ्री बाय नाइन यानी सेवन बाय नाइन सी का पुराना शेयर टू बाय नाइन ही रहा तो नी रेशियो आ गया सेवन टू टू इस तरह से बच्चों क्वेश्चन वन टू ट्वेल्ल सारे कंप्लीट हो जाते हैं आई होप आपको सुन में आए होंगे अच्छी तरह से सुन में आए होंगे बच्चों क्वेश्चन थर्टी करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं ट्रीटमेंट और गुडविल रिटायरमेंट में कैसे किया जाता है फिर मैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन को डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में लेकिन हाँ मैं तो आपको बता दूँ ट्रीटमेंट और गुडविल रिटायरमेंट वाले में हम क्या करते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर हिस्से गुडविल निकाल लेते हैं फॉर्मी गुडविल के हिसाब से और फिर उसके लिए एडजस्टमेंट्री पास करते हैं द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स